नमस्कार दोस्तों, रीवा, जबलपुर, सिंगरौली, भोपाल आदि शहरों की यात्रा में 50% की छूट मिल रही है। यात्री तेजी से बढ़ रहे हैं। पीएम श्री वायु पर्यटन सेवा के अंतर्गत प्रदेश के 8 शहरों को एयरक्राफ्ट के जरिए जोड़ने का अनूठा प्रयास किया गया है। वहीं अगर किराए की बात करें तो मध्य प्रदेश शासन इस योजना में किराए को लेकर बड़ी छूट दे रही है। शुरुआती एक महीने के लिए सभी उड़ानों में 50% की बड़ी छूट दी जा रही है, जिससे किराए में भारी कमी है। रीवा से सिंगरौली का किराया सामान्यतः 2250 रुपये है। वहीं जबलपुर से रीवा या रीवा से जबलपुर आने जाने के लिए 1 घंटे 10 मिनट का समय लगेगा। इसके लिए यात्री को महज 2750 रुपये देने होंगे, जबकि जबलपुर से भोपाल या फिर भोपाल से जबलपुर के लिए यात्री को 3375 रुपये खर्च करने होंगे। यह सभी किराए पर 50% की छूट के बाद, हालांकि यह एक महीने के लिए ही है, इसके बाद कंपनी इसे रिव्यू कर सकती है। प्रदेश के जिन 8 शहरों में यह सुविधा शुरू की गई है उनमें इंदौर, भोपाल, रीवा, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, खजुराहो, सिंगरौली शामिल हैं। यानी बिंद क्षेत्र के 2 जिलों रीवा व सिंगरौली को इन योजनाओं में शामिल किया गया है। पहले दिन की उड़ान में ही खासा उत्साह देखा गया है। माना जा रहा है कि रीवा व सिंगरौली दोनों जिलों से यात्रियों का आवागमन बना रहेगा। दरअसल सिंगरौली से रीवा, जबलपुर व भोपाल जैसे बड़े शहरों के लिए अन्य मार्ग से आवागमन काफ़ी मुश्किल व टाइम टेकिंग है। पर्यटन से मिली जानकारी के अनुसार शुरुआती दिनों में सिंगरौली से केवल बुधवार को ही इस सुविधा का लाभ मिलेगा, जबकि रीवा से सोमवार व गुरुवार को यह सुविधा मिल सकेगी। सोमवार को इंदौर व गुरुवार को भोपाल के बीच आवागमन होगा, जिसमें एक स्टाफ जबलपुर भी शामिल रहेगा। लेकिन कहा जा रहा है कि इसकी सफलता के आधार पर उड़ानों की संख्या में वृद्धि की जा सकेगी। तो अभी फ़िलहाल में एक महीने के लिए काफ़ी बड़ी छूट है, जहां पर कि लगभग किराया आधा है। तो आप ये देख पाएंगे कि इस किराए में काफ़ी कटौती की गई है। आप लोग सामान्यतः मात्र 1125 रुपये में रीवा से सिंगरौली की यात्रा कर सकते हैं। बने रहिए चैनल पर लेटेस्ट अपडेट के लिए। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।